दोस्तों भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अगर इतने बड़े राज्य में रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो अभी महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग रोड नेटवर्क मौजूद है, जिसकी लंबाई 18 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 50,151 किलोमीटर की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में देश का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और दूसरा निर्माणाधीन मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिसमें से नागपुर से सिरणी तक के फेज वन का अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। परंतु दोस्तों अब महाराष्ट्र में इन दोनों एक्सप्रेसवे के अलावा तीसरे एक्सप्रेसवे यानी पुणे अहमदनगर औरंगाबाद एक्सप्रेसवे पर भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें एनएचएआई के द्वारा अभी फिलहाल 24 गांवों को भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ये एक्सप्रेसवे कैसा होगा, इसका क्या रूट है और लास्ट में जानेंगे एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण के लिए किन गांवों को चिन्हित किया है। आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्वागत है आप सभी का डीआर इंफ्रा टीवी की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएचएआई के द्वारा पुणे से अहमदनगर होते हुए औरंगाबाद तक एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 225 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा एक एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे को दूसरे नाम पुणे छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। पुणे में यह एक्सप्रेसवे रिंग रोड से शुरू होकर अहमदनगर होते हुए औरंगाबाद के पास समृद्धि महामार्ग में जाकर कनेक्ट होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद नागपुर से पुणे तक का सफर महज 8 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जिसे अभी पूरा करने के लिए 14 से 16 घंटों का समय लगता है। पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे 3 जिलों पुणे अहमदनगर औरंगाबाद और 5 तालुका भोर पुरंदर हवेली दौड़ और सिरूर को आपस में कनेक्ट करता है। दोस्तों अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे पर अभी डीपीआर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है, परंतु इसके साथ ही एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी अधिसूचना 3A जारी कर दी है और इस अधिसूचना में एनएचएआई ने 5 तालुकाओं में से 2 तालुकाओं के लिए कुल 24 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें से औरंगाबाद तालुका में 7 गांव और पैठण तालुका में 17 गांव शामिल हैं, जिसकी लिस्ट आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को ईपीसी मोड के तहत बनाया जाएगा। इसके अलावा एनएचएआई ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के 3 और तालुकाओं में जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।